दोस्तों थालापति विजय सर ने लियो के साथ साबित कर दिया है कि वो तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार है, क्योंकि लियो फिल्म ने 14 दिनों के अंदर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है। तो आज की इस वीडियो में हम लियो के अब तक के टोटल 14 डेज के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले है। तो दोस्तों लियो को रिलीज हुए आज टोटल 14 दिन कंप्लीट होने वाले है, लेकिन फिल्म ने 14 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 550 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। लेकिन दोस्तों अगर ये फिल्म हिंदी में अच्छा परफॉर्म कर जाती तो ये फिल्म शायद वर्ल्ड वाइड मार्केट में 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर सकती थी। लेकिन इस फिल्म को हिंदी में प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं किया गया, जिसकी वजह से फिल्म का हिंदी कलेक्शन ठीक ठाक रहा, लेकिन हमारी उम्मीदों के मुताबिक काफी कम रहा। जिस तरह से इस फिल्म का हिंदी बॉक्स ऑफिस पर क्रेज था वो पूरी तरह से आउटस्टैंडिंग था, लेकिन इसके मेकर्स ने इसको 3 मल्टीप्लेक्स जैसे कि PVR, INOX और सिनेपोलिस में रिलीज नहीं किया गया, जिसकी वजह से फिल्म का हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कुछ कलेक्शन नहीं किया। लेकिन अभी चल रही बॉलीवुड फिल्मों को तो ये फिल्म पूरी तरह से टक्कर दे रही है, लेकिन इस फिल्म को जिस तरह से हिंदी में कलेक्शन करना चाहिए उस तरह का यहां पर लियो का हिंदी कलेक्शन नहीं रहा, जिसकी वजह से यह फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा अब पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिल्म के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन जो कि काफी ज्यादा डाउन यहां पर निकल कर आ रहे हैं। अगर किसी भी फिल्म को 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करना होता है तो वो फिल्म साउथ के साथ साथ हिंदी वर्जन में भी अच्छा कलेक्शन करती है। उसके बावजूद भी साउथ की कोई फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर पाती है। लेकिन दोस्तों लियो फिल्म ने तमिल बॉक्स ऑफिस पर तो पूरी तरह से आग लगा रखी है, जहां पर यह फिल्म तमिल और बाकी साउथ की 3 लैंग्वेजेस जैसे तमिल को छोड़कर कन्नड़ा, मलयालम और तेलुगु में भी काफी अच्छा परफॉर्म यहां पर कर रही है। तो दोस्तों लियो फिल्म का लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो 600 से 700 करोड़ रुपए के बीच का अब रहने वाला है। वैसे देखते हैं क्या ये फिल्म 600 से 700 करोड़ के बीच का कलेक्शन करेगी या फिर उससे भी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, या आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन लियो थालापति विजय सर के करियर की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन चुकी है, जिसने उनके करियर की सभी पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। तो दोस्तों लियो ने तो थालापति विजय सर के करियर में 4 चांद लगा दिए, जिसकी वजह से उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो हिंदी ऑडियंस के बीच भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे भी थालापति विजय सर की फिल्मों के लिए हिंदी ऑडियंस हमेशा से एक्साइटेड रहती थी, जिनकी फिल्मों को यूट्यूब पे भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन यहां पर लियो के बाद तो उनकी पॉपुलैरिटी हिंदी ऑडियंस के बीच में और भी ज्यादा बढ़ जाने वाली है। अगर उनकी कोई भी इसके बाद पैन इंडिया फिल्म आएगी तो उसे हिंदी दर्शक भी देखना काफी ज्यादा पसंद करने वाले हैं। तमिल भाषा की 3री हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन सकती है, लेकिन दोस्तों आने वाले कुछ ही टाइम में ये फिल्म 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार करके रजनीकांत सर की फिल्म जेलर के लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट कर देगी। वैसे देखना होगा क्या ये फिल्म रजनीकांत सर की और अक्षय कुमार की 2.0 के रिकॉर्ड को बीट कर पाती है या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि उस फिल्म ने लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अराउंड 700 करोड़ रुपए के आसपास किया था। तो देखते हैं क्या लियो फिल्म उस रिकॉर्ड को ब्रेक करके तमिल सिनेमा की नंबर 1 फिल्म बनती है या फिर इससे पहले ही सिनेमाघरों से गायब हो जाएगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। तो दोस्तों लियो फिल्म में थालापति विजय के साथ त्रिशा कृष्णन, संजू बाबा और अर्जुन सरजा जैसे बेहतरीन कलाकार दिखाई दिए थे, जो लोकेश कनगराज सिनेमेटिक यूनिवर्स का तीसरा पार्ट थी। को 300 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया था, जिसे वर्ल्ड वाइड में 6500 के आसपास स्क्रीन मिली थी। लेकिन दोस्तों जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इसे सभी भाषाओं में किसी न किसी फिल्म से कंपटीशन यहां पर देखने को मिला था, यानी कि अगर लियो फिल्म सोलो रिलीज होती तो बॉक्स ऑफिस पर इससे भी ज्यादा कलेक्शन कर देती। लेकिन अगर बात करें इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों फिल्म का जो एक्सटेंडेड वीकेंड था वो 4 दिनों का था, जहां पर इस फिल्म ने अपने 4 दिनों के वीकेंड में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 177 करोड़ 15 लाख रुपए का कर लिया था। और इस फिल्म का टोटल 8 दिनों यानी कि पहले हफ्ते का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 264 करोड़ 25 लाख रुपए रहा। और दोस्तों कल यानी कि अपने 13वें दिन पर इस फिल्म ने ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 4 करोड़ 24 लाख रुपए का कर लिया है। और आज अपने 14वें दिन पर यह फिल्म ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 4 करोड़ 65 लाख रुपए का कर रही है। तो इसी के साथ थालापति विजय
की फिल्म लियो का अब तक का टोटल 14 दिनों का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 316.79 करोड़ रुपए हो चुका है। वही फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन 375 करोड़ रुपए, ओवरसीज मार्केट में इस फिल्म ने 185 करोड़ रुपए की। तो इसी के साथ थालापति विजय की फिल्म लियो का अब तक का टोटल 14 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अराउंड 560 करोड़ रुपए हो चुका है। अब देखना होगा फिल्म 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा कितने दिन में पार कर पाती है। वैसे दोस्तों आपने थालापति विजय की फिल्म लियो देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी? इसके अलावा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, और आप थालापति विजय की फिल्म लियो के डे बाय डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर इसी तरह से जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।